तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वुड, कुड और शुड, इनके बारे में। इनका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे। तो आज की वीडियो के बाद कभी भी आपको इस तरह के टॉपिक्स को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनके साथ साथ जो इनसे मिलते जुलते टॉपिक्स हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कुड हैव टू से। देखिए, कुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, मतलब कोई काम करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर जो ये सेंस निकलेगा, ये वाला सेंस होगा कंपल्शन वाला, यानी कि आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ सकता है। अब मुझसे किसी ने पूछा, यार मैं क्या करूँ, तो मैंने बोला कि तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ सकता है। मतलब ये एक कंपल्शन वाला केस है, अगर वहाँ से कॉल आ गया तो आपको जाना पड़ सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, उसे जाना पड़ सकता है तो बोलेंगे ही कुड हैव टू गो, ही कुड हैव टू गो। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ सकता है तो बोलेंगे यू कुड हैव टू प्ले, यू कुड हैव टू प्ले। उसके बाद है कि उन्हें देखना पड़ सकता है तो बोलेंगे दे कुड हैव टू वॉच। तो इसी तरह से किसी को आने वाले समय में कोई काम करना पड़ सकता है, वहां पर आप कुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कुड का इस्तेमाल तो हम पास्ट में करते हैं। देखिए, ये आपकी गलतफहमी है कि आपने अब तक इसको अच्छे से नहीं सीखा है। कुड का इस्तेमाल हम पास्ट में, प्रेजेंट में और आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में, इन तीनों की पॉसिबिलिटी को, कार्यक्षमता को, इन सबको दिखाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वुड। वुड का मतलब होता है कोई किसी काम को करेगा, और ये जो होगा ना, ये फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी में भी यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि उसने कहा वह करेगा, मतलब किसी ने आपसे कोई बात कह दी थी पास्ट में, फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए किसी ने पास्ट में कोई बात कही थी कि भाई वो आएगा या फिर वह करेगा, तो बोलेंगे He said that he would do, यानी कि उसने कहा कि वह करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है राहुल आएगा, मैंने बताया था फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी में भी आप इसको यूज करते हैं, और कोई किसी काम को करेगा इसमें भी आप इसका यूज करते हैं। अब मान लीजिए यदि राहुल के आने की संभावना बिल्कुल ये लगा लो कि ज़्यादा है, ठीक है, तो आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, राहुल विल कम, ठीक है। लेकिन जब उसकी संभावना थोड़ी सी कम है तो आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं राहुल वुड कम, ठीक है, वह तुमसे मिलेगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है शी वुड मीट यू। अब यदि आपको पक्का पता है कि पक्का मिलेगी ही, तो आपको विल का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब जो वो पॉसिबिलिटी का जो लेवल है, जब वो कम हो, तो तब आपको वुड का इस्तेमाल करना है। तो समझ में आया कि वुड का इस्तेमाल हम दो तरह से करते हैं, कोई किसी काम को करेगा या फिर फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी में। उसके बाद आपका एक आता है वुड हैव टू। देखिए, जिस तरह से हमने कुड हैव टू को देखा था ना, उसी तरह से ये एक वुड हैव टू नाम का भी जो है एक मॉडल वर्ब होता है। हम वुड के साथ हैव टू को लगा देते हैं और इसका मतलब होता है करना पड़ता होगा। क्या होता है? करना पड़ता होगा। और जब आप इसको एज ए, मतलब जब आप कंडीशनल सेंटेंसेज में इसको यूज करेंगे, तो इसका एक सेंस वो निकलता है करना पड़ जाता, करना पड़ जाता, और एक है करना पड़ता होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसे जाना पड़ता होगा, मतलब आपके हिसाब से किसी को कोई काम करना पड़ता होगा। जब तो आपने बोला अभी उसे जाना पड़ता होगा, मतलब आपने कोई एक छोटी सी सिचुएशन देखी और उसी से अपने मन में एक पूरी स्टोरी बना ली, यार इसे तो ये करना पड़ता होगा, वो करना पड़ता होगा, मतलब उसे जाना पड़ता होगा। तो बोलेंगे ही वुड हैव टू गो, ही वुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ता होगा तो बोलेंगे यू वुड हैव टू प्ले, यू वुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ता होगा तो बोलेंगे दे वुड हैव टू वॉच, दे वुड हैव टू वॉच, उन्हें देखना पड़ता होगा। तो इसी तरह से किसी को कोई काम करना पड़ता होगा, आप वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव, जिसका मतलब है कि कर सकते थे या पास हो सकती थी, मतलब कोई किसी काम को कर सकता था पास्ट में, और या फिर किसी के पास कोई वस्तु हो सकती थी। इन दोनों ही केसेस में आप कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि तुम वहां जा सकते थे तो बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी तो बोलेंगे यू कुड हैव ए कार, यू कुड हैव ए कार। वह यहाँ आ सकता था तो बोलेंगे ही कुड हैव कम हेयर, ही कुड हैव कम हेयर। वह यहाँ आ सकता था, तो कोई किसी काम को कर सकता था या फिर किसी के पास कोई
वस्तु हो सकती थी, वहां पर आप दोनों में कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये जो पास मतलब ये जो किसी काम को कर सकते थे ना, ये वो वाला सेंस होगा कि आपने कोई काम पास्ट में किया नहीं और अब आप रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं और बोल रहे हैं यार वह वहां कर सकता था, वह वहां जा सकता था, वह उसे कर सकता था, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शुड हैव, जिसका मतलब होता है चाहिए था। मतलब जो शुड के साथ जब हम हैव लगाते हैं ना, तो ये एक तरह से किसका सेंस देता है, ये पास्ट का सेंस देता है। पास्ट में किसी को आपके हिसाब से कुछ करना चाहिए था, आप जब किसी को सलाह देते हैं ना, भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था, तब आप शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि तुम्हें खाना चाहिए था तो बोलेंगे यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन, तुम्हें खाना चाहिए था। उसे देखना चाहिए था तो बोलेंगे ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन। हमें बोलना चाहिए था तो बोलेंगे वी शुड हैव स्पोकन, वी शुड हैव स्पोकन, हमें बोलना चाहिए था। तो इसी तरह से किसी को कुछ करना चाहिए था, आप शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि भाई उसे ये करना चाहिए था पास्ट में, लेकिन उसने वो किया नहीं था, तभी तो आप उसको सलाह दे रहे हैं कि भाई ये करना चाहिए था, आप उसको राय दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आपको वॉइस और चैट प्रैक्टिस का ऑप्शन मिलेगा, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 299 है ओनली। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स चाहिए, तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड बी, जिसका मतलब है हो सकती है, मतलब कोई चीज कहीं पर हो सकती है, कोई व्यक्ति कहीं पर हो सकता है। इन दोनों ही सेंसेस में आप कुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई चीज मतलब आपके हिसाब से अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, इस सेंस में भी आप कुड बी का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे कि यह हो सकता है तो बोलेंगे इट कुड बी, यह हो सकता है, वह यहाँ हो सकता है तो बोलेंगे ही कुड बी हेयर, ही कुड बी हेयर। कैमरा बोलते हैं ना आप, वह यहाँ हो सकता है, वह वहाँ हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं ही कुड बी हेयर या फिर ही कुड बी देयर। कुड के स्थान पर आप इस वाले सेंस में मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ही माइट बी देयर, ही माइट बी हेयर, ही मे बी हेयर, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा शुड बी। देखिए शुड बी के दो सेंस है, एक होता है होना चाहिए, एक होता है रहा होना चाहिए। मतलब एक आपके हिसाब से किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए, एक स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाएगा, एक क्या दिखाएगा, एक एक्शन को दिखाएगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड बी, और फिर आपके अदर वर्ड्स आते हैं। देखिए उसे घर पर होना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो बोलेंगे शी शुड बी स्टडिंग। तो इसी तरह से किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए या फिर किसी को कहीं पर होना चाहिए, दोनों ही सेंसेस में हम शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शुड हैव टू, मतलब करना ही चाहिए, किसी को कोई काम करना ही चाहिए आपके हिसाब से। कई बार बोलते हैं ना तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तो इस तरह के सेंस में आप इसका यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। उसे जाना ही चाहिए तो बोलेंगे ही शुड हैव टू गो, ही शुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना ही चाहिए तो बोलेंगे यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना ही चाहिए तो बोलेंगे दे शुड हैव टू वॉच, दे शुड हैव टू वॉच। तो किसी को कुछ करना ही चाहिए, दोनों ही सेंसेज में आप यूज कर सकते हैं शुड हैव टू का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वुड बी। देखिए वुड बी के दो सेंस है, एक तो कोई कहीं पर होगा या फिर आपके हिसाब से कोई किसी काम को कर रहा होगा या फिर कर रही होगी। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, वुड बी, और फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। यहाँ पर देखिए वह घर पर होगा तो बोलेंगे ही वुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम। वो खेल रहे होंगे तो बोलेंगे दे वुड बी प्लेइंग, दे वुड बी प्लेइंग। वह पढ़ रही होगी तो बोलेंगे सी वुड बी स्टडिंग, सी वुड बी स्टडिंग। तो वुड बी को हम एज ए प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं कि प्रेजेंट में हमारे हिसाब से या फिर आपके हिसाब से कोई कहीं पर होगा या फिर कोई किसी काम को कर रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वुड हैव, जिसका मतलब होता है कर लिया होगा,
या कर चुका होगा, मतलब किसी ने कोई काम कर दिया होगा या फिर कोई किसी काम को कर चुका होगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट वुड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि उसने खा लिया होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव ईटन, ही वुड हैव ईटन। उन्होंने देख लिया होगा तो बोलेंगे दे वुड हैव वॉच्ड, दे वुड हैव वॉच्ड। ठीक है, उसके बाद वो पढ़ चुके होंगे तो बोलेंगे दे वुड हैव स्टडीड, दे वुड हैव स्टडीड। तो कोई किसी काम को कर चुका होगा या किसी ने कोई काम कर लिया होगा, दोनों का एक ही मतलब है। इन दोनों को आप वुड हैव के द्वारा बना सकते हैं। कुछ नहीं है स्ट्रक्चर में, वुड हैव के बाद सिर्फ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूँ, वो मॉडल्स सीख रहा होगा, वो मॉडल्स सीख रहा होगा। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।